केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की ट्वीट पर असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल को खुद पर सफाई देने की जरूरत है। किसी और पर उंगली उठाने से उनके पाप नहीं धुलेंगे। तोमर के बेटे पर आरोप सामने आए तो मंत्री तोमर ने खुद कहा कि ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, लेकिन भूपेश बघेल ईडी या सीबीआई को जांच नहीं करने देते हैं। वह दूसरों पर उंगली उठाते हैं। वह दूसरे भ्रष्ट लोगों की सूची क्यों बनाते हैं? वह वाइस है, करप्शन है, यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। क्या जो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन भ्रष्ट है, वह विश्व कोश बन गए हैं। उनके पास जाओ तो वह भ्रष्टाचारियों के नाम गिना देंगे। भूपेश बघेल जेल जा रहे हैं, वह अपने साथ 10 अन्य लोगों को भी ले जाना चाहते हैं। अभी उनके पास ईडी भी नहीं आई। ये ईडी की दरियादिली है कि उसने बघेल को चुनाव लड़ने का समय दिया। जो कुछ भी हो रहा है उससे टीएस सिंहदेव इस वक्त सबसे ज्यादा खुश हैं। नहीं, देखिए, ईडी हैज शोइंग लॉट ऑफ मैग्नानिमिटी बाय नॉट आस्किंग भूपेश बघेल टू ज्वाइन इन इन्वेस्टिगेशन बिफोर द इलेक्शन। I think ED has not shown that kind of concession to any politician of anywhere in India. मैं तो हैरान हो गया हूँ। 508 करोड़ रुपया का अपने कोर्ट में बता दिया है कि बघेल जी ने लिया है, फिर भी बघेल जी को नोटिस भी नहीं दिया है अभी तक। तो बघेल जी तो ईडी का धन्यवाद करना चाहते हैं, ऐसा सुविधा ईडी तो किसी को नहीं देते हैं। ईडी और बघेल जी का भी संपर्क बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज तक ईडी अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया है? 508 करोड़ रुपया कोर्ट में तो बता दिया है, माल पहुंच गया है, फिर भी नोटिस नहीं दिया है कि चुनाव तक कम से कम चुनाव लड़े। कम से कम भूपेश बघेल जी को ईडी को कोई ईडी का खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। ईडी ने इतना मैग्नानिमिटी किसी का साथ नहीं दिखाया जो भूपेश बघेल जी का साथ दिखाया है। बजा यही है भाई, ठीक है, बघेल जी को जनता से पहले महादेव का पाप ले लो, बाद में ईडी का पाप लेना। पहले धक्का जनता से ले लो, बाद में ईडी से ले लेना। यही बताया ना भूपेश बघेल जी क्यों दूसरा का बात बोलते हैं। पहले जो वायरल है, पहले जो बातें हैं भूपेश बघेल जी का है। आप तोमर जी का बेटा का बात मध्य प्रदेश में उठाएगा, उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया है कि ईडी आए, सीबीआई मेरा जांच करे। लेकिन भूपेश बघेल जी अभी अभी अगर कोई मेघालय में कुछ होगा करप्शन, वो भी बघेल जी ट्वीट करेगा। मतलब पूरा करप्शन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भूपेश बघेल जी ही बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देखिए, भूपेश बघेल जी अपना सफाई देने का जरूरत है। दूसरा का ऊपर अंगुली उठाने से उनका जो पाप है वो गंगा माई आके साफ नहीं कर देते हैं। पहला बात, जब तोमर जी का बेटा का ऊपर आरोप हुआ, तोमर जी ने खुद बोला कि ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, लेकिन भूपेश बघेल जी तो ईडी को भी जांच करने नहीं देते हैं, सीबीआई को भी जांच करने नहीं देते हैं, उल्टा वो दूसरा का ऊपर अंगुली उठाते रहते हैं। भाई, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, आप 508 करोड़ रुपया का हिसाब दे दो, अब फिर दुनिया में और कौन कौन भ्रष्टाचारी है उनका लिस्ट क्यों गिनाते हो? आप तो भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, तो आपको मालूम होगा कौन दुनिया में कौन भ्रष्टाचार है। अभी भूपेश बघेल एक एनसाइक्लोपीडिया हो गया, उनको पास जाओ तो अब कौन कौन भ्रष्टाचारी है लिस्ट गिना देते हैं। अरे भाई, अपना सफाई दो ना। 508 करोड़ रुपया आपने खाया, फिर महादेव का नाम भी इस्तेमाल किया कि हिंदू का थोड़ा सा सर्वनाश हो जाए। आपने तो दोनों तीर लगा के रखा है, माल भी कमा रहा है और हिंदू को भी बदनाम कर रहा है। अभी भाई, आप पूछो भूपेश बघेल जी को, आपने 508 करोड़ रुपया खाया? नहीं, वो भी। अरे भाई, आप दूसरा का बात क्यों बोलते हैं? अभी तो आपका चुनाव है, आपका सफाई छत्तीसगढ़ का जनता को देना है। अभी मैं आपको पूछू कोई बात, मेरा ऊपर हिमंत बिस्वा शर्मा आपने 50 कर खाया है, मैं बोलू भूपेश बघेल भी खाया है, ये क्या ड्रामा है? मैं तो अद्भुत लॉजिक ये छत्तीसगढ़ में ही सुना हूं। एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी का नाम पूछने से और 10 भ्रष्टाचारी का नाम गिना देता है। नहीं, वो तो वाइस चांसलर है क्या? मतलब वो विश्वविद्यालय का वो वाइस चांसलर रहेगा।
वो विश्वविद्यालय का, कल मैंने भाषण में बोला, दुनिया में मेरा नाम तो लेना मेरे लिए गौरव का बात है ना, कांग्रेसी लोग तो मेरा ही नाम लेता है, उससे उनका अच्छा नींद आते है, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात ऐसा है, जैसे छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हुआ करप्शन का, ऐप बोलो, पेडी खरीदता है उससे भी मिल का मालिक का साथ बंटवारा करो, दारू का धंधा करो, एक लाइसेंस का एक बिना लाइसेंस का, ऐसा स्कैम कहीं नहीं हुआ है भाई साहब। आप लोग भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, हमारा देश में कोई जगह में इतना करप्शन का इनोवेशन नहीं हुआ है जितना छत्तीसगढ़ में हुआ है, पूरा इनोवेशन ही इनोवेशन भाई। ऐप बना के भी पैसा लूटना कोई पॉलिटिशियन तो आजकल सोचा भी नहीं है, भूपेश बघेल का सोच कितना आगे निकल गया है।